असलम प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी एन आई एच से हाज़िर है नाजरन एन आई एच नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एक ऐसा इदारा जो तमाम पाकिस्तान से डाटा जमा करता है मुख्तलफ़ इन्वायरमेंट में अगर कोई बीमारियाँ कहीं से भी पैदा होती हैं तो उसके लिए तहक़ीक करता है उस बीमारी के तोड़ के लिए एहतियाती तदाबीर क्या है और उसका इलाज किस तरह मुमकिन होगा माजी में जिस तरह वायरस फैले माजी में जिस तरीके से हमारे पास कांगो वायरस था हमारे पास करोना था उस हवाले से इस इदारे की खस्मत बहुत ज़्यादा हैं आजकल एक वायरस जिसको मंकी पॉक्स का नाम दिया गया उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है उस पर भी इस इदारे ने बहुत ज़्यादा तहकीक है और काम हो रहा है इसी हवाले से आज हमारी काविश होगी कि इदारे के अंदर जाएँ और इदारे के जो माहिर डॉक्टर हैं उनसे बात करें और हमारी कोशिश होगी कि इस हवाले से जितनी तहक़ीक है वो सब आपके सामने पेश करें ताकि आने वाले वक्त में इंसानियत की बका और फला के हवाले से काम हो सके मंकी पॉक्स के बारे में बताती हूँ कि दिस इज़ अ पॉक्स वायरस और ये दूसरे पॉक्स वायरस की तरह जिस तरह स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स वायरस आए थे जो कि अभी एलिमिनेट हो चुके हैं ऑलमोस्ट लाइक स्मॉल पॉक्स की तरह अब चिकन पॉक्स के भी बहुत सारे केसेस नहीं आते तो मंकी पॉक्स एक वायरस है जो कि क्लिनिकली पॉक्स वायरसेस की तरह है लेकिन अभी इसकी डायग्नोस्टिक क्योंकि वर्ल्ड वाइड आउटब्रेक्स हो रही हैं लेकिन इसकी कोई डायग्नोस्टिक स्टार्ट नहीं हुई पाकिस्तान में तो इस वजह से हम इसकी कन्फर्मेशन नहीं दे सकते लेकिन क्लिनिकली अगर देखा जाए तो ये जस्ट स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ हमें देते हैं अच्छा आपने जितने वर्ड इस्तेमाल किए डॉक्टर साहब ये एक मेडिकल की नुक़ नज़र से लेकिन आम आदमी इसको कैसे समझता है अगर कहीं पे ये इसके असरा भी हैं तो उसको एहतियात कैसे करनी होगी और वो समझ कैसे पाएगा असल में इसके जो क्लिनिकली मैंने आपको बताया कि ये क्लिनिकली दिखाता है कि इसके मरीज़ को बुखार जिसम में दर्द और जिसम में रैश या कोई भी निशान जिस जिसम में पड़ जाता है और इस तरह के सिम्टम्स आते हैं इस तरह की निशानियाँ हैं इसकी और इसके साथ साथ इसकी लिए जो एहतियात है कि घर में जब भी औरतें काम करती हैं या कोई भी एक दूसरे को हाथ लगाना या कंटेमिनेटेड सर्फिस डर्टी सर्फ़ को या डर्टी किसी भी चीज़ को हाथ लगाना तो हाथ धोना या हैंड वॉशिंग एक बेहतरीन असूल है जो कि हम जिंदगी के किसी भी चीज़ के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ अपनानी चाहिए ताकि हम एक जगह से हाथ लगा कर तो दूसरी जगह उस चीज़ को ना लेके जाए अगर वायरस हो भी हमारे इन्वामेंट में या हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर प्रजेंट भी हो तो उस चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना कर, करें लैब में इस हवाले से जब जिस तरह अब मंकी मॉक्स के बारे में बात हो रही है उस पर भी तहकीक हो रही है जिस तरह माजी में आपने मुख्तलिफ बीमारियों पर हाँ जी बिल्कुल क्योंकि एन आई एच जिसरा नाम से ही जाहिर होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है ये एक नेशनल इदारा है जब भी कोई नई डिजीज़ पाकिस्तान में आती है तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करने वाला इदारा है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एन आई एच के बाद ये डिफरेंट हमारी प्रोविंशियल लैब्स हैं जिसके अंदर हम अपनी गाइडलाइंस भी देते हैं अलर्ट भी बताते हैं और उसके बाद जितनी हमारी लैब की साइड की तहकीक या डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है वो हम डिफरेंट हमारी अपनी लैब्स को मुहैया करते हैं कि ये लोग इस तरीके से सैंपल लेंगे और इस तरीके से लैब के अंदर ये चीज़ लगाई जाएगी और इसको डायग्नोस्टिक इसका केस आएगा जैसे ही कोई नई डिजीज़ आती है तो इसकी डिफ़रेंट डेफिनेशंस हैं जो कि एक क्लिनिकली uh, डेफिनेशन के बाद कि क्लिनिकली सस्पेक्टेड केस जिसके अंदर वो वाले सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं सिम्टम्स या वो निशानियाँ आती हैं उन बीमारियों की जिसको हम मंकी पॉक्स के साथ कह सकते हैं उसके बाद जब ये लैब में सैंपल आता है तो लैब की कंफर्मेशन के बाद कि मतलब लैब में टेस्ट लगे और उसके बाद हम ये कहें कि ये सैंपल आया मंकी पॉक्स के लिए पॉजिटिव था या उसके लिए पॉजिटिव नहीं था तो ये चीज़ हम एक लैब के बाद इसी कन्फर्मेशन दे सकें जो एन आई एच कर रही है और कुछ ही दिनों तक ये वाली चीज़ हमारे पास सैंपल्स हैं और हम इस चीज़ को आ, बताएंगे कि ये मंकी पॉक्स पाकिस्तान में सर्कुलेट कर रहा है या नहीं है बेसिकली हमारा ये नाजरीन प्रोग्राम जो है वो अवेयरनेस का है अभी कोई ऐसी इलामत नहीं है कोई ज़्यादा पेशेंट नहीं है लेकिन एन आई एच का यही काम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कि पूरे मुल्क में या इस खे में इन चीज़ों को देखते हैं कि बीमारी को आने से कबल आपने कैसे कवर करना है और उसको ख़त्म करना है उसकी इलामात क्या है इसके इलामत के जिसम बुखार होना बुखार के साथ सर दर्द जिसम दर्द और जिसम के ऊपर कोई भी ये दाने बन जाना जिस तरह चिकन पॉक्स के अंदर बन जाते थे और उन दानों के अंदर वो एक येलोइश जर्दी माहल के जर्दी माहल सा पानी निकलना तो ज़्यादा एहतियात ये करनी चाहिए कि जिस जगह के ऊपर भी जिस इंसान के साथ भी इसरा हो जिस तरह हम चिकन पॉक्स के साथ एहतियात करते थे कि उसके साथ उसकी बेड शीट को उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ों को हाथ लगाना नहीं चाहिए उसके बाद उसके जो जिसम के दाने हैं उनके ऊपर कोई कॉटन का कपड़ा या कपड़े के साथ कवर कर देना चाहिए ताकि वो एक जगह से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ना फैल सके क्योंकि ये चीज़ें जैसे जो वायरल डिजीज़ होती हैं ये हमारे माहौल के अंदर इस तरीके से आ जाती हैं कि हमारी इन्वामेंट को इफेक्ट करती हैं और फिर एक से दूसरे तक चली जाती हैं जिसको एक चीज़ हम टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन कि ये फैलती कैसे हैं इनके फैलने का तरीक़ा या तो हमारा ये रेस्पिरेटरी भी हो सकता है कि सांस के ज़रिए एक दूसरे से फैलें या फिर हमें एक दूसरे को हाथ लगाने से तो उन चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए एहतियात करनी चाहिए अगर मैं आपको कि ये एक जगह से दूसरी जगह सरफेस को टच करने से या एक दूसरे की बेड या इस तरह हाथ लगाने से फैलती हैं तो फिर हमें हाथ धोने चाहिए हैंड हाइजीन जो हमारी हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद अगर हम कहेंगे ये सांस के ज़रिए फैलती हैं तो मरीज़ के पास जाने से पहले हमें मास्क पहन लेना चाहिए ताकि ये चीज़ें हम जो इंसान दूसरे का ख़्याल कर रहा हो उसको उस तक ये ना पहुंच सके यानी मास्क भी मास्क, और ग्लव्स वगैरह पहन लें और उनकी जो बेड शीट या चादरें या जो भी उनके इस्तेमाल के कपड़े हैं उनको अलहदा से वॉश किया जाए एज अ साइंटिस्ट मैं ये कहूँगी कि मंकी पॉक्स एक नई बीमारी ज़रूर है लेकिन इससे उस तरीके से नहीं डरना चाहिए जिस तरह हम कोविड या कोरोना के दौर में डरते थे कि ये वाली डिजीज़ एक से दूसरे को लग सकती है लेकिन हमारी कुछ एहतियात से और क्योंकि ये वायरस इस तरह का नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को बीमार करेगा और एक पेंडेमिक तक जाएगा तो ये चीज़ें एक आउटब्रेक तक अगर लिमिट रहती है तो हमें और इसका बताया जा रहा है कि ये चिकन पॉक्स से भी लेस वियर सिम्टम्स देती है मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इसके असरात नहीं हैं ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है इसकी इब्तदा तो नाइनटीन फिफ्टी एट से हुई है और वो अफ्रीकन कंट्री से हुई थी जब फिफ्टी एट में जब इब्तदा हुई कैसे हुई किस तरह ये लगा? हाँ नाइनटीन फिफ्टी एट में आ, कुछ जो मंकीज़ थे बंदर थे उन पर रिसर्च हो रही थी और उस रिसर्च के दौरान उस टाइम पीरियड में देखा गया कि बंदरों में अजीब किस्म के दाने बन रहे हैं जब उसकी जब मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो वहाँ उसमें देखा गया कि एक वायरस है और वो दाने फैला रहा है ठीक है और उन दानों को उन्होंने पॉक्स का नाम दिया और इसी तरह से क्योंकि वो मंकी से दरियाफ्त हुए थे इसीलिए उसका नाम मंकी पॉक्स दिया गया था इसके दो दहाइयों बाद इंसान में कोई केस वो भी अफ्रीका से आया है फिर उसके बाद साल दर साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में केसेज आते रहे हैं इवन अगर हम अमेरिका की बात करें 2003 से अमेरिका में प्रोमिनेंट रहा है मंकी पॉक्स 2003, 2007, 2011 इसी तरह से दूसरे ममालिक हैं यू के में भी केसेस इक्का दुका इक्का दुका आते रहे हैं लेकिन इस वक्त जो हिट किया है मंकी uh, पॉक्स ने यू के को हिट किया है जिसमें एक सौ छः से ज़्यादा केसेस हैं स्पेन है 86 सिक्स केसेज़ हैं पोर्चुगल यूरोप में मोर देन फिफ्टी परसेंट जो केसेज हैं वो यूरोप में हैं यूके यूएस और कनाडा में 38 तक केसेस हैं इस वक्त तक और ये पीक पिछले दो माह से देखी जा रही है अकरा सको हमारे खत्े में अभी कुछ इलाम सामने आई मोंकी पॉक्स जो डिजीज़ है वायरल डिज़ीज़ जो है इसमें इसका इनक्यूबेशन पीरियड 21 दिन तक होता है मतलब ये है कि अगर किसी से लगा है एक शख्स को तो 21 दिन तक उसमें अलामत आते हैं ज़्यादातर पाँच से पंद्रह दिन में उसमें अला, अलामत जो है वो आते हैं अलामत कौन कौन से हैं उसमें बुखार है और मोस्टली तीसरे से पाँचवें दिन वायरस कंटेन करने के तीसरे से पाँचवें दिन बुखार होता है और फिर उसके बाद बुखार के साथ साथ जिसम में दर्द सर में दर्द कमर में दर्द कमज़ोरी उल्टी हो सकती है फिर अहम जो चीज़ है वो है रेशज़ दाने इसकी जो दाने हैं रेशेज़ हैं इसकी जो मुशाबत है वो स्मॉल पॉक्स की तरफ भी जाती है और अहम जो चीज़ है जो इसको स्मॉल पॉक्स से जो डिफरेंट रखती है वो है लिफ गिल्टियाँ जो जिसमें हमारे जिसमें एक क़त मुदाफ़त बढ़ाने के लिए जो गिल्टियाँ होती हैं लिफ नोड्स होते हैं वो इसमें सूज जाते हैं स्वेल कर जाते हैं जो कि स्मॉल पॉक्स में नहीं था नंबर एक नंबर दूसरी बात इसके जो रेस हैं वो स्टेज स्टेप वाइज जो है वो बढ़ते हैं और ख़त्म हो जाते हैं निशान अपना छोड़ जाते हैं जिस तरह स्मॉल पॉक्स ने छोड़ा था बुखार हुआ बुखार के तीसरे दिन जो मरीज़ होगा वो महसूस करेगा कि लाल रंग के डब्बे हैं जिसको मेक्यूल्स कहते हैं डब्बे महसूस होंगे के नज़र आएंगे लेकिन हाथ लगाने से नहीं होंगे हाँ उसके दो दिन के बाद फिर महसूस होगा कि वो उभर रहे हैं फिर उसके दो दिन के बाद वेजिकुलर हो जाते हैं वेजिकुलर से मुराद है कि उसमें पानी आ जाता है और बिल्कुल साफ़ पानी आ जाता है उसमें ठीक है वो पानी ये छठे दिन आएगा जब रिश बनेगा ठीक है वेजिकुल्स के बाद आएगा पोस्ट्यूल वाली स्टेज आएगी पस्च्यूल्स में क्या होगा वो जो दाना होगा उसमें धुंधला पानी जो है ना वो शुरू हो जाएगा और बीच में उसके एक जो, जो जिसको कहते हैं कि अम्ब्लाइकॉय जो है ना एक जो है ना उसमें एम, ए, डिप्रेशन इम्प्रेशन आ जाता है उसमें फिर उसके तीन दिन के बाद वो क्या होगा वो सुकड़ने लगेगा पानी उसका सुकड़ने लगेगा और वहाँ जो वो जो क्रस्ट कहते हैं छोटा जो कहते हैं वो बनेगा और उसके तीन दिन के बाद फिर जो है वो स्केप बनेगा और वो परमानेंट दाग हो जाएगा अच्छा डॉक्टर साहब आपने एक माहिर की हैसियत से एक डॉक्टर की हैसियत से एक तहकीकार की हैसियत से देखा आपको ये सारा प्रोसेस नज़र आ गया अब मैं हूँ मेरे ही खत्ते में या मेरे घर में किसी पेशेंट को होता है या इस तरह की इलामात होती हैं उसको महसूस होता है कि शायद इस तरह का है तो उसको क्या करना होगा एहतियाती तदाबीर तो आप तक पहुँचते पहुँचते तो उसकी तहकीक के पंद्रह दिन है वो एहतियातन इन दिनों में अगर हो तो क्या देखिए ख़ुदा न खासा अगर किसी मरीज़ में सस्पीशन है उस में कि उसमें मोंकी पॉक्स हाँ इब्तई तौर पर शुरुआत हो रही है बीमारी की तो सबसे पहली चीज़ है ए सुन एज़ पॉसिबल रीच टू द फिजिशियन डॉक्टर के पास जाएँ डॉक्टर से मशवरा करें अगर डॉक्टर सस्पेक्ट करता है और फिर उसके बाद आपने घर में जो एहतियात करने हैं कि मरीज़ को आपने आइसोलेट करना है मरीज़ को आपने अलीहदा कर देना है दूसरे घर के अफराद सेलीहदा करना है उसके बिलाशक बर्तन आपदा ना करें उसकी ज़रूरत नहीं है ठीक है उसके कपड़े अलीहदा हों उसके बेड शीट अलीहदा हों लाइन जितनी भी होती हैं उसकी अलीहदा हो लाजिम नहीं है कि आप वो बेड शीट जो है आपदा वॉशिंग मशीन में डालें उसी में डाल सकते हैं क्योंकि ये जो डिटर्जेंट होते हैं ज़्यादातर जो है वायरस बैक्टीरियाज होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं ठीक है उसी में डालें लेकिन वो जब कपड़े उसके होंगे वो उठाने उठाते वक्त लाजिम है कि आपने मास्क पहना हो लाजिम है कि ग्लव्स पहने हुए हों और उसको खंगालना नहीं है ये वायरस खंगालने से एक शख़्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है जो उसके बर्तन हैं वो आम हालात में जिस तरह से हम धोते हैं डिटर्जेंट से धोते हैं उसी तरह से ही आपने बर्तनों के साबुन से धोने एक और डॉक्टर शफीक साहब हमने देखा है कि हम अगर एक चीज़ को करते हैं कि ये जो हमारे करोड़ों नाजरीन देख रहे होते हैं हम तो उनको अवेयर कर रहे हैं लेकिन इस तरह की किसी मसा मंकी पॉक्स जो है उसका ज़िक्र अगर हम करते हैं तो लोगों में खौफ भी पैदा होता है डर भी पैदा होता है क्योंकि एहतियाती तदाबीर कि जी ग्लब्स पहने मास्क लगाएं दूसरे तो वो घबरा जाते हैं ऐसी कोई घबराने वाली बात तो नहीं है अभी तक हमारे आ, नहीं ऐसे घबराने की वाली बात नहीं है चूँकि अलहमदल मंकी पॉक्स की केस फैटिलिटी रेट जो है उसका नहीं है इतना लेस देन वन परसेंट है मतलब कि अगर किसी में होता है तो उसमें डेथ के चांसेस बहुत कम है नंबर एक बात नंबर दूसरी बात कि जो इसकी कम्युनिकेबिलिटी है स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होने की जो शराय है वो भी बहुत कम है ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में फैलता है और एरोजोल वेरी वेरी लेस ठीक है तो इस हिसाब से इसमें आ, हरासा या आप कहें कि खतरे की ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन चूँकि एक बीमारी है और किसी को भी लग सकती है तो इसीलिए एहतियात करना ज़रूरी है अच्छा डॉक्टर साहब आपने कहा मंकी पॉक्स हम अगर यूरोप में देखते हैं यूके में देखें स्टेट अमेरिका वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे लोगों में बड़ा रुझान है वो इन जानवरों को पालतू जानवरों की तरह अपने घरों में भी रखते हैं लेकिन उसकी नस्बत अगर हम अपने खत में देखें तो यहाँ पे मंकी या फिर डोगी या दूसरे तीसरे ऐसा तरह नहीं है जिस तरह वहाँ पे है तो वहाँ पे ख़तरा ज़्यादा हैं यहाँ पे कम है बिल्कुल आप ये भी है दूसरा आ, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं और आ, उस वजह से भी हमारे यहाँ खतरा या अंदेशा जो है वो कम है बहसीत यूरोपियन कंट्री से या अमेरिका से हमने एक देखा कि हमने इससे पहले चिकन पॉक्स को देखा हमने इससे पहले कोरोना को भी देखा आ, जो यूरोपी ममालिक हैं या फिर यूके है स्टेट है वहाँ पे अमवात ज़्यादा हुई और यहाँ पे वो कहते हैं कि वहाँ पे वो क़त मदाफ़ियात जो थी वो कम थी हमारे पास इस बीमारी में भी क़वत मदाफ़ियात ज़्यादा है देखें ये तो कुछ भी ये कहना कबलस वक्त है चूँकि इस वक्त हमारे पास कोई केस है नहीं और हम हम फेस नहीं कर रहे उस डिज़ीज़ को करंटली कंट्री में तो ये कहना कबल वक्त है लेकिन दुआ तो यही है कि हमारी कुवत मुदाफ़त जो है वो असरअंदाज रहे लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि बीमारी का एक शख्स पे असर होना वो ज़्यादातर डिपेंड करता है उसकी अपनी कुत मुदाफ़त किसी शख्स में कुछ कुवत मुदाफ़त ज़्यादा होती है तो उसको बीमारी कम असर करती है किसी में अगर कुत मुदाफ़त कम होगी तो उसको बीमारी ज़्यादा असरअंदाज कर सकती है नाजरीन हमारे साथ हैं डॉक्टर वजिया वकार आ, जो इनका शोबा है जिस पर ये काम कर रहे हैं कि अगर कोई केस सामने आता है तो एन की स्ट्रेटजी क्या होगी बाकी अगर कोई सस्पेक्टेड केस हमें लगता है कि सिम्टम्स के हिसाब से वो हमें लग रहा है कि ये मंकी पॉक्स है केस तो फिर हम उधर जो हमारे हायर ऑफिशल्स हैं एन के मिनिस्ट्री के साथ कॉर्डीनेट कौर, करेंगे हम लोग और फिर वो जो हैं एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम तश्ील करेंगे रैपिड रिस्पॉन्स टीम के डिफरेंट मेम्बर्स होते हैं जिनका मुख्तलिफ हमारे सेक्टर से डिपार्टमेंट से वो बिलोंग कर रहे होते हैं लेबार्ट्री के लोग होते हैं एपडीमियालॉजी के होते हैं क्लिनिकल डॉक्टर्स होते हैं डेटा के पर्सन होते हैं तो वो लोग फिर उस वो टीम मुश्तमिल होती है फिर जहाँ से लगता है कि वहाँ पे केस आया उधर जाके वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं पूरी एपिडीमोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होती है फिर उस वहाँ से सैंपल लिए जाते हैं उन सैंपल को एन की वायरोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट है वहाँ पर उसकी टेस्टिंग होती है फिर उससे अगर खुदा खुदाखास्ता वो कोई केस कन्फर्म निकल आएगा तो फिर फर्दर जो है ये होगा कि उसके फिर जो पॉसिबल उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी अब तक की जो तय है उसमें कोई कोई केस सामने नहीं आया, कोई हाँ। सामने नहीं नहीं आया आए मंकी पॉक्स के जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है ना वो अभी तक कोई भी ऐसे सामने नहीं आए हैं चिकन पॉक्स मीजल्स ये डिफरेंट वैराइटीज़ हैं डिसीजेज की लेकिन ये मंकी पॉक्स में नहीं आती है मंकी पॉक्स के जो स्पेसिफिक सिम्टम्स ऐसा कोई केस अभी तक सामने नहीं आयादाई तो तौर पर तो आप अलर्ट मोड पे हैं आपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इन चीज़ों को हम लोग अलर्ट मोड पे कर देते हैं कि ये ये उनको बता दिया गया है ये ये अलामत होंगी तो अगर जैसे ही वो किसी मरीज़ में ऐसी अलामत देखेंगे वो इन वन इन्फॉर्म करेंगे उसके हिसाब से फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी ये वेस्टर्न अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं जिसमें कॉन्गो रिपब्लिक में सबसे ज़्यादा केसेज होते हैं वहाँ पर केसेज थे तो वहाँ से फिर यूरोप के कंट्रीज जिनकी उनके साथ ट्रैवल है या वहाँ पर जो है वो आते जाते रहते हैं उनमें केसेज आए लेकिन अभी ये जो इस दफ़ा हुआ है कि के जो केसेस इनको यूके में मिले हैं या बाकी एरियाज़ में मिले हैं उनका डायरेक्ट ट्रैवल लिंक नहीं है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ जहाँ पर ये केसेस थे तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी है और ये उन एरियाज में कैसे पहुँचा और वहाँ पर सस्टेन अगर कर गया तो कैसे कर गया बाकी अलहमद अभी तक पाकिस्तान में एन पूरी तरह से एक्टिव है चीज़ों को सिस्टम्स को केसेस को वॉच कर रहा है और अभी तक कोई मंकी पॉक्स का केस ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुआ सो मच पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा आउटब्रेक uh, रिस्पांस और इस तरह के सिचुएशन में आगही uh, के तौर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं कोविड uh, के दौरान फिर इससे पहले कांगो आउटब्रेकस में और टाइम टू टाइम दे आर वर्किंग वेदर्स मनकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जो जानवरों से इंसान में आती है इसको वायरल जोनोटिक कहते हैं और ये जिस तरह चिंचक बीमारी दुनिया में थी और फिर तकरीबन सत्तर की दहाई में वो ख़त्म हो गई थी रेडिकेट हो गई थी और वैक्सीनेशन भी उसकी हुई थी ये उसी फैमिली के वायरस की बीमारी है लेकिन चिचक की तरह ख़तरनाक नहीं है आपने ख़ुद अप्रिशिएट किया कि मीडिया और ख़ास तौर पर पी टी वी का आपने जिक्र किया वो तो अवेयर करता है अब डॉक्टरों की टीम के साथ माशरे के जो अहम लोग हैं जिस तरह इंतज़ामिया है आ, कराम हैं या फिर वो तबका जिस तरह सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन सब का भी तो होगा ना कि ये लोग ताकि घबराएं भी ना लेकिन अवेरनेस भी हो ये हम स्टेज वाइज करते हैं आ, जैसे जैसे खतरा बढ़ता है हम हर एक फील्ड को इन्वॉल्व करते हैं हर एक स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं और ज़रूरी होता है कि अगर आपने कहीं अवेयरनेस करनी हो तो डेफिनेटली सोशल मीडिया का दौर है उनको हमने लूप में रखना है फिर हमारे जो इलाके के आ, वो होते हैं बुजुर्ग होते हैं ओलमा होते हैं जो बासर लोग होते हैं उनके थ्रू भी हम अवेयरनेस करते हैं जैसे हमने कोविड के दौरान किया था अभी कोविड वैक्सीनेशन के लिए हम उनका हेल्प ले रहे हैं पोलियो के लिए ले रहे हैं सो हर एक बंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अकेले हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं कर सकता और मैनेजमेंट तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट जो मैनेजमेंट है वो लाजमी जूस है हमारे कोऑर्डिनेशन का और एक लफ्ज़ यूज होता है इंसिडेंट कमांड मैनेजमेंट सिस्टम उसमें ये होता है कि जब भी कोई हादसा जब भी कोई आउटब्रेक या एपिडेमिक होता है तो रेलिवेंट डिपार्टमेंट जितनी भी है वो अनबोर्ड किए जाते हैं और इसके लिए पाकिस्तान में ये सिस्टम मौजूद है हमारे पास आवाम का फ़र्ज़ है कि वो एहतियात करें अगर कहीं पे इस तरह का कोई पेशेंट है फौरी तौर पे डॉक्टरों से रबता करें हमने इससे पहले भी बड़े मसाइल देखे लेकिन जिंदगी इसी का नाम है असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने क़ेबान